एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैसे तो मैं एक्चुअली मुझे व्लॉग करना चाहिए था घर से, पर मुझे सडनली याद आया दो दिन से आई वॉज नॉट शूटिंग, आई टुक अ ब्रेक। बट थैंकफुली मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, तो वीक में ट्वाइस हो रहा है, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है अगर मैं कुछ और काम करना चाहूँ, यू नो आई कैन डू दैट। एंड मैं तैयार हो गई हूँ, निकल रही हूँ अपनी मीटिंग्स के लिए। प्रिंस निकल गया है दिल्ली के लिए, देन ही विल गो टू चंडीगढ़ बैक टू हिज वर्क। एंड या आगे के काफी सारे प्लान्स हैं, फिलहाल मेरा ये प्लान है, मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ मेरी मीटिंग्स हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और अभी मैं निकल रही हूँ मीटिंग के लिए, चलिए मेरे साथ, रास्ते में बातें करते चलेंगे, लेट्स गो। राइट गाइस, स्टार्टेड ड्राइविंग। मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, ऑफकोर्स ड्राइव करते वक्त नहीं कैमरा शुरू करना चाहिए, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा बाहर निकाल रही हूँ गाड़ी, तो टेकिंग माई टाइम। ऑलराइट गाइस, मैं अब ड्राइव करने वाली हूँ, सो इट्स गना बी डिफिकल्ट कि मैं रिकॉर्डिंग भी करूँ और ब्लॉगिंग भी करूँ। सो मैं आपको मिलती हूँ अपनी मीटिंग्स फिनिश करने के बाद, एंड देन मेरे पास फिर जाना है मेरे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पर। एंड चलिए सीधा फिर अपॉइंटमेंट पर मिलते हैं। मीन वाइल बीच में मेरे जो मीटिंग्स हैं काम के, बीच में मैं चंडीगढ़ चली गई थी, अब काम नहीं हो पाया था, वो सारा मैं खत्म करने वाली हूँ, बिकॉज उसके बाद अगेन आई एम ट्रैवलिंग। लेट्स गो गाइस। सो गाइस, मैं आ गई हूँ क्लिनिक। ओह गॉड, क्वाइट हेक्टिक डे। सो देखते हैं आज डॉक्टर क्या बोलने वाली है मुझे। लेट्स गो। सो गाइस, मैंने पहले लिया है, मशीन शुरू होने से पहले मैंने कराया है क्लीन अप, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग डेली बेसिस पे डस्ट फेस पे लेते हैं, मेकअप फेस पे लगाते हैं, भले ही हम बहुत लाइट मेकअप करें या डार्क, क्योंकि हमारा शूट भी होता है, तो इस चक्कर में डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ डस्ट लग ही जाता है हमारे फेस पे। एंड नाउ यू कैन सी मेरी जो नोज़ है शाइन कर रही है। एंड फिर मैंने अपनी स्किन चेक कराई, जिससे मुझे पता चला है कि मेरी स्किन हेल्दी है और मेरी स्किन पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मली डेली रूटीन पे ध्यान रखती हूँ अपना स्किन का, जो मैंने अभी शुरू किया है कुछ मंथ से, एंड आई एम सो हैप्पी। मेरा टारगेट है कि मैं ऐसे उस पर जाके पहुँचूँ स्किन के, कि मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा के फेस पे निकलूँ, जो मैं कई बार निकलती भी हूँ, स्पेशली इन फंक्शंस आल्सो, कि मैंने सिर्फ कुछ ना पहना, सिर्फ सनस्क्रीन लोशन लगाया और मैं निकल गई। तो मैं चाहती हूँ मेरी स्किन इतनी अच्छी हो जाए, सो कर रही हूँ मैं उस पर काम धीरे धीरे। एंड फिलहाल आफ्टर क्लीनअप, क्लीनअप होने के बाद अब ये यूजिंग मशीन मेरे गोल्ड मोड पे चली है। That's how my face is looking clean and nice. ये रेड पता नहीं क्या हो गया है, बिकॉज मेरी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है कि डॉक्टर मुझे कुछ भी करने से पहले, यू नो, फेशियल करने से पहले शी कम्स रनिंग एंड स्किन देखती हैं और फिर मुझे बोलती हैं, मतलब कि मुझे क्या असिस्ट करती हैं अपनी टीम को कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालना, बहुत ऐसा कुछ मत करना, बिकॉज यूविका की स्किन बहुत सेंसिटिव है। बट एक्चुअली गाइज, कैन यू सी, हल्का सा ये रेड रेडनेस आ गया है। एंड स्पेशली डॉक्टर बोल के गए थे कि बहुत लाइट यूज़ करना, यस आई हैव वेरी 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 बैड सेंसिटिव स्किन, बेबी स्किन बेसिकली। सुनने में अच्छा लगता है बेबी स्किन, बट लेकिन बहुत एक्सट्रीमली बहुत ध्यान देना पड़ता है। इनफैक्ट जो मैं स्किन पे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, वो भी मैं कई बार पढ़ने के बाद, ट्रायल के बाद हल्का सा, देन आई प्रॉपरली यूज़, अदरवाइज बैंड बन जाती है स्किन की। तो मैं कुछ भी ऐसे ही कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, और माई स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है मेरी स्किन। सो आई एम डन फ्रॉम हियर। अब समय आ गया है जिम जाने का। थोड़ा सा मैं रुकने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, उसके बाद चलते हैं जिम, करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज। लेट्स गो गाइस। आई एम लीविंग फ्रॉम माई फेवरेट प्लेस, स्किन फर्स्ट क्लिनिक। Let's go. Guys,
I'm back home and सीधा जिम से मैं इधर आ गई हूँ क्योंकि कल ही है मेरी फ्लाइट. आई एम ट्रैवलिंग. कहाँ मैं जा रही हूँ ये आपको बताऊँगी कल ही. टिल देन ये देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं दोनों किचन में क्या कुक कर रहे हैं. क्या बनाए? डोसा और सांभर डोसा इडली. नाइस, नॉट बैड. सांभर बना है, डोसा बना है, इडली बनी है और मेरे बॉयल किए हैं एग्स. थोड़ा सा ना आ गई हूँ मैं फिटनेस पे. टेंशन एंड अवॉइड द मेस फ्रॉम बैक साइड. ये हो रही है गुड मॉर्निंग और इधर हो रही है नाइन 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 नाइन. हो चुकी है शैतान की. क्या कर लियो, क्या कर लियो छोटा बेबी. नाइन नाइन का किया आया है. हाले ले ले ले. ओके गाइस, यहाँ हो रही है नाइन नाइन की बात. कपे बनाए जा रहे हैं. अली 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 कैमरा दिख रहा है बहुत अच्छे से. ओली 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 नाई नाई किया आपने. सो गाइस, इसने बोलना शुरू कर दिया है मामा 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 बोलता है. ये देखिए, ये देखिए इसका, इसकी इसके जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चल रहा है आजकल. इसका इतना नाम लेते हैं बहुत ज्यादा. मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. हाय एवरीवन, व्हाट्स अप? कुछ कुछ यार बेबी, क्या कर रहे हो मॉर्निंग मॉर्निंग में? व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग? ग्रेट टाइम विद माई फ्रेंड आफ्टर सो लॉन्ग. मज़ा आ गया बॉस. अच्छा खासा डिनर हुआ है एंड अब आ रही है मुझे नींद और अब मुझे जाना है दूसरे घर बिकॉज प्रिंस आने वाला है सुबह की फ्लाइट से एंड देन वी हैव अ ट्रैवल. वेयर दैट आई लेट यू नो टुमारो, नॉट टुडे. चलिए घर की तरफ बढ़ते हुए. वेटिंग फॉर द लिफ्ट.